पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लीड कर रहे थे एडवोकेट एहसान मिर्जा साहब, एडवोकेट गुरुदेव ठाकुर जी, जहांगीर साहब भी उस प्रोटेस्ट के अंदर हमारे साथ लीड कर रहे थे, मुनीर मिर्जा भी उस प्रोटेस्ट में लीड कर रहे थे, बाकी साथी जम्मू के अंदर हमारे उस प्रोटेस्ट में लीड कर रहे थे और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट रहा। हम उन सभी जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, दो मिनट की उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही दुखद घटना एक और घटी, पहाड़ी कबीले के एक बहुत ही मायादार सपोर्टर जिन्होंने तन मन धन से पहाड़ी कबीले और पहाड़ी मूवमेंट को सपोर्ट किया, डॉक्टर शैलेंद्र जी, वो भी हमारे बीच नहीं रहे और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और उनकी बहुत पहाड़ी कबीले के लिए भी एक बहुत बड़ी सेटबैक थी, क्योंकि जब भी हमें कोई भी सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, कहते हैं कि मनी मेक्स अ मियर गो, अगर पैसे की सपोर्ट की जरूरत होती थी भी हम उनके पास गए, जो भी हमने उनसे रखते थे पहाड़ी कबीले के लिए। और एक और शख्सियत, बड़े ही मायादार शख्सियत जो इस पहाड़ी मूवमेंट के पायनियर लोगों में से एक थे, निसार राही साहब हमारे बीच नहीं रहे। निसार राही साहब पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के स्टेट मेंबर भी रहे, वाइस चेयरमैन कुलदीप राज गुप्ता जी के बहुत ही अहम सलाहकार थे पहाड़ी मूवमेंट को लेके और उनके साथ हमें काम करने का मौका दिया। और जब हमने पहाड़ी डाइवर्सिटी फोरम बनाई तो शायद कुछ लोग, जो सीनियर लोग, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, जिन्होंने हमारी निंदा किया, जिन्होंने हमें स्पेस दी, उनमें निसार राही साहब का भी एक अहम रोल था। हम सभी साथियों को रिक्वेस्ट करेंगे दो मिनट के लिए हमारे डांगरी में शहीद हुए लोग डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और निसार राही जी को हम एक श्रद्धांजलि देंगे ताकि उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो सुकून में रहे। साइलेंस। की तरफ से वन डे कन्वेंशन रखी गई थी, मकसद यही था कि जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारा बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन हो गई हैं, सभी मंत्रालयों की रिकमेंडेशन हो गई हैं, इसके बाद जब हमारा ये बिल एक्ट बनता है तो हमारी क्या डेवलपमेंट रहेगी। और इसके साथ साथ पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम अपना ट्रस्ट जो है आने वाले टाइम में बनाने का विचार कर रही है, उसी के लिए हमारे सेंट्रल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें चर्चा की गई और एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली किस तरह अपलिफ्ट करना है वो हमारा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज हम इसलिए भी इकट्ठे हुए कि 2023 का शुरुआत ढांगरी किलिंग्स, चाहे पहाड़ी कबीले के दो सपूत डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और निसार राही जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो सुकून में रहे, उसकी कामना के लिए हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए।